और अभी फ़ोन पे से किसी के पास मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो और आपको ऐसा एरर देखने को मिल रही है, UPI इशू एट रिसीवर बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड इज़ फेसिंग हाई पेमेंट फेलियर ऑन ऑल UPI एप्स, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसा एरर क्यों आ रहा, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा एरर आ रही है तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के न्यू न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी डिले। मैं यहाँ पे फोन पे को ओपन कर लिया हूँ। आप भी अपने फ़ोन पे को सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके चेक करना अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं होगा तो उसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की कोशिश करना, राइट। अब जब इस फोन पे के होम पेज पर आ जाओगे तो टू मोबाइल नंबर पे हम टैप करेंगे, क्योंकि हम यहीं से किसी के पास मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हम उस यूज़र्स का मैं नेम यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ जिसके पास मैं ट्रांसफ़र कर रहा था, जहाँ पे मुझे इशू देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अगर उन यहाँ पे नहीं मिल रहा या आप किसी को फाइंड कर रहे हो तो आप यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पे टैप करके आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे उस अकाउंट को ओपन कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इनके पास ट्रांसफ़र किया हूँ, लेकिन अब मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। UPI इशू एट रिसीवर बैंक यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि आखिर हम क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा टेक्निकल इशू आती है जहाँ पे, जैसे मान के चलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ आप जिसके पास मनी ट्रांसफ़र आप सेंड कर रहे हो उसके पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने या तो SBI का बैंक लिंक किया होगा या कोई ऐसा बैंक लिंक किया होगा जिसका टेक्निकल इश्यू भी डाउन होगा, तो उस बैंक में मनी ट्रांसफ़र अभी आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि इनका जो अकाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, जो कि फ़ोनपे के साथ इन्होंने लिंक करके रखा हुआ है। तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक अगर जिन लोगों ने लिंक किया होगा उन लोगों को ऐसा एरर देखने को मिलेगा और वो लोग ट्रांसफ़र मनी नहीं कर सकते। अगर मनी ट्रांसफ़र करना है या उस बंदे को मनी रिसीव करना है तो उसको अपना डिफ़ॉल्ट बैंक को चेंज करना होगा, वहाँ से पेटीएम को हटाकर दूसरा बैंक ऐड करेंगे तो फिर आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, जितना चाहे उतना आप इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे, आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रॉब्लम आने का एक्चुअल रीज़न क्या था। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट मत करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो तो आप कमेंट में मैंसर मत कीजिए, डायरेक्ट आप इस इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, क्योंकि कमेंट में करोगे तो कोई भी हैकर्स फ्रॉडर्स आपका पर्सनल डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो आप इस आईडी पर मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।